क्या एवेस्कुलर नेक्रोसिस दोनों हिप जॉइंट्स में होना जरूरी है सो दोस्तों एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बहुत से कारण हो सकते हैं जिसमें कि आपके हिप में कोई फ्रैक्चर होना एक्सेसिव स्टीरोड्स लेना किसी भी बीमारी के लिए जैसे कि गठिया बाई के लिए या एक्सेसिव एल्कोहल लेना ये कॉमन कारण होते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के तो जिन पेशेंट्स को एक्सेसिव एल्कोहल लेने से या स्टीरॉयड लेने से एवेस्कुलर नेक्रोसिस हुआ है उनका यूजली दोनों हिप का इन्वॉल्वमेंट रहता है लेकिन जिन पेशेंट्स को फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर या हिप की कटोरी के फ्रैक्चर होने से एवेस्कुलर नेक्रोसिस हुआ है उनको दूसरे हिप में एवेस्कुलर नेक्रोसिस नहीं होता